उसमें क्या विशेष रखा? आप जानते हैं 7 तारीख को चुनाव है इस इलाके में, 7 मई को। तो ग्वालियर चंबल संभाग के कलेक्टर्स की, एसपीज़ की, आईजी, डीआईजी सभी की बैठक रखी है। चुनाव को लेकर के जो प्रशासनिक तैयारियां होती हैं, जो व्यवस्थाएं करनी होती हैं, एक तो मतदान केंद्र की व्यवस्थाएं और दूसरा जो सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति, उसकी समीक्षा, तो इसको लेकर के हर संभागीय बैठकों पर जा जा करके ये समीक्षा हो रही है। हम लोगों ने जबलपुर में बैठक की, भोपाल में बैठक की, आज ग्वालियर में कर रहे हैं, फिर अन्य संभागों में भी करेंगे। तो उसी की समीक्षा बैठक है व्यवस्थाओं के, तैयारियों के बारे में। ठीक है, चंबल संभाग एक संवेदनशील संभागों में आता है चुनाव को लेकर। पिछली बार विधानसभा में देखा गया था कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग न डलवाने को लेकर भी विरोधाभास सामने आया था, तो इस स्थिति के लिए क्या नहीं, जहाँ भी संवेदनशील मतदान केंद्र होते हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस बल की व्यवस्था होती है, सेक्टर अधिकारी होते हैं, पुलिस की सेक्टर मोबाइल्स होती हैं, वेबकास्टिंग की व्यापक व्यवस्था इस बार की गई है, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, और उसके पहले, चुनाव के पहले जो असामाजिक तत्व हैं उनकी धरपकड़ का काम होता है, वारंटों की तामील की जाती है, 107-16 की कार्रवाइयाँ होती हैं। तो उसी की समीक्षा एक तरह से आज हम लोग कर रहे हैं, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिल्कुल फ्री, फेयर और पीसफुल पोल इस इलाके में हम लोग सुनिश्चित करेंगे।